हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राजभर। आज आपके सामने ट्रैम्प 400 मोटरसाइकिल दिखाने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले आप देख लो, इसके अंदर काम चल रहा है अभी। पूरी वीडियो बने रहेंगे तो आपको एंड तक देखने मिलेगी। इसमें पीपीएफ लैमिनेशन कर रहे हैं जो कि देख सकते हैं, ट्रिपल एयर वाली। अभी काम चालू है, स्टार्ट है। इधर क्रैश गार्ड आपका इंस्टॉल हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, हो रहा है। और भी छोटे मोटे काम है, रेडिएटर गार्ड, सम गार्ड, तो देख सकते हैं। ट्रैम्प 400 के अंदर ही बहुत सारी मॉडिफिकेशन है और दिखाऊंगा इसमें क्या क्या लगा है, साथ में क्या क्या लग सकता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया था कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। थोड़ा काम एक्स्ट्रा हुआ, थोड़ा कम हुआ है। अब मैं दिखाऊंगा पूरी तरह से क्या क्या हुआ है। फाइनली सबसे पहले दिखाऊंगा इसमें लैमिनेशन, जो कि आप देख सकते हैं ये पूरी कर दी गई है। मडगार्ड जो कि जज नहीं कर रहे हुए कि इसमें की भी गई है नहीं की गई। साथ में टैंक ये देख सकते हैं, ये मैं हटाऊँगा इसके टैंक की लेयर तो पता लगेगा कुछ शाइन है, इसलिए ये देखिए ये इसकी कर दी गई लैमिनेशन, जो कि आपको देख सकते हैं कि कोई जज भी नहीं कर सकता की भी गई है या नहीं की गई है। ये थी इसकी लैमिनेशन, क्योंकि इधर भी और आगे मडगार्ड भी ये पूरी तरीके से हो गया आपका ओके वाली लैमिनेशन। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको नीचे रेडिएटर गार्ड, जो कि देख सकते हैं आप, ये है इसका रेडिएटर गार्ड जो कि इसमें लगा दिए गए। प्रॉपर तरीके से फिटमेंट है इसकी, कोई आपका जुगाड़ नहीं, सिंपली इजी टू फिटेड है। वो आपकी नॉर्मल जो जाली आती है वो ये आती है, ये देखिए नॉर्मली जाली ये आती है, तो इस जाली का कोई यूज़ नहीं होता। सबसे ज़्यादा ये यूज़फुल इसलिए है क्योंकि काफ़ी हैवी क्वालिटी की है, इससे आपका रेडिएटर पूरी तरीके से हो जाता है सेफ। और इसके बाद आपको इसको देखने मिलेगा इसका ट्रैम्प की ब्रांडिंग आपको देखने मिलेगा सम गार्ड, क्योंकि इसके अंदर जो आता है वो प्लास्टिक का आता है, और प्लास्टिक का हटा के इसमें लगा देगा मेटल का, जो कि देख सकते हैं ये इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए। इससे आपका पूरे नीचे का पोर्शन रहेगा सेफ, कहीं भी गड्ढे में किसी चीज़ में आती है, फिर कहीं ब्रेकर हैवी ब्रेकर में वो लगेगी ना, तो आपकी बाइक पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा इससे। साथ में डस्ट वगैरह भी वहाँ पर होल्ड हो जाएगी। इसके हेडलाइट के लिए भैया ने लगाए, जो मैं आपको बता रहा था, एक वाइजर आता है वही भैया ने लगवाया, वो भी इसमें हमारे पास मिल जाएगा। और इसमें लगाया एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं, ये है इसका मोबाइल होल्डर, जो कि सिमटेक ओरिजिनल है मोबाइल होल्डर, जो कि इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है। इसमें नॉर्मली लगाने के बाद कहीं पर भी आप इजी टू राइड कर सकते हो अपना मोबाइल लगाने के बाद। और इसके बाद फुल बॉडी क्रैश गार्ड आप देख सकते हैं, ये है इसका फुल बॉडी क्रैश गार्ड जो कि इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है, और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का ये भी। इसमें मिलते हैं आपके 4 स्लाइडर, 2 मिलेंगे आपको इस तरफ, 2 मिलते हैं आपके इस तरफ देख सकते हैं। और इससे आपके टैंक्स, लैग्स और आपके साथ में हैंडल पीछे का पूरा प्रोटेक्शन, फुली प्रोटेक्शन वाला ये। कहीं भी आपकी गाड़ी गिर जाती है ऑफ रोडिंग में, ऑन रोडिंग में, तो समझ लो फुली सेफ इसमें फील करोगे आप, सेफ्टी पूरी है इसके अंदर। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर जो कि लगा दिए गियर शॉक्स देख सकते हैं। ये भैया ने मुझे बताया कि उनका शूज़ ख़राब हो गया इससे, तो भैया के सभी के शूज़ ख़राब हो जाते हैं। मैंने खुद अपनी बाइक में गियर शॉक्स लगा रखी है, तो एक गियर शॉक्स भी एक छोटा सा पार्ट है बट बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इंस्टॉल कराना चाहिए। और अभी इसमें जो नहीं हुआ वो बता देता हूँ, टॉप रैक नहीं लगवाया इसमें, सैडल स्टे नहीं लगे, टॉप बॉक्स नहीं लगा, और एक नहीं लगा इसमें टायर अगर। ये सारी भी चीज़ें आपको हमारे पास इसकी ईजिली मिल जाती है। और अब मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की ये बाइक है। आइए भैया। तो हेलो भैया, तो आप नाम क्या है, कहाँ से आए, और ऑल अबाउट हमारा काम कैसा लगता है और कैसा लगा? मैं फारूक अहमद हूँ, मैं अपना इस दिल्ली से आया हूँ, शास्त्री पार्क से। बेसिकली काम काफ़ी अच्छा लगा, जो लैमिनेशन हुई है काफ़ी फिनिशिंग तरीके से हुई है, लग भी नहीं रहा कि करवाई है। और फ्रेंकली स्पीकिंग अपना जो भी लगा है इसमें, जैसे क्रैश गार्ड हो गया काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और जो भी हमने इसमें सम गार्ड लगाया है विच इज़ वेरी गुड सम गार्ड, इसमें जो भी बाइक ले वाला मैं उसको रिकमेंड करूँगा लगाने के लिए, क्योंकि इसका जो कूलेंट का जो बोतल है वो इन्होंने नीचे दे रखा है, और अगर उसमें हल्का सा भी कुछ लगा तो वो गया तो देन बाइक आप नहीं चला पाओगे, तो सम गार्ड तो लगाना ही लगाना है। सो काम काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्वालिटी अच्छी है, इवन प्राइस भी काफ़ी अच्छे हैं। तो राजू भैया तो करोल बाग की शान है हमारे यहाँ पे। थैंक यू भैया। आप रिटर्न कस्टमर हैं या पहली बार आई, बता दिया आपने? नहीं, मैं रिटर्न कस्टमर हूँ आपका। रिटर्न कस्टमर कौन होता है? जो पहले से यहाँ पर आ चुके हैं, सेटिस्फाइड हो, पहले से हैं, काम से खुश हैं, बिहेवियर से खुश हैं, सबसे बड़ी बात इसी बात, सबसे मेन तो वही होता है। हाँ। तो काम और बिहेवियर दो चीज़ें मैटर करती है, बाकी तो यार पूरा पकड़ोल भरा पड़ा कहीं से भी, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ का और ध्यान दें, हमेशा जब भी आते हैं ना, तो बहुत से लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुकी है आज के डेट में कि हु इज़ द एसकेडी रियल, तो ये आपको डिसाइड करना रियल कौन है, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि रियल सामने खड़े हैं, यही रियल है। तो सबसे मेन, क्योंकि भैया मेरे को हो गया है 2.5 से 3 साल मार्केट के अंदर, ठीक है ना,
टॉप पे इसके बाद जो पुराना है वही रियल होगा। और सबसे मेन काम सबसे मैटर करता है, जो कि मैं हर बार बताता हूँ, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा है, मतलब 25 साल से मैं इस लाइन के अंदर हूँ और 2.5-3 साल से मैं करोल बाग के अंदर हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है एक्सपीरियंस है, तभी बैठा हूँ। चाहे कोई कुछ भी कर ले, उससे कुछ होने वाला है नहीं। आप अपना दिमाग लगाएं, अपना आपको काम अच्छा कराना है तो आपको पता है कहाँ पर आना है। ओनली फॉर राजू भाई की शॉप पर जो भी मिलती है आपको दिल्ली करोल बाग नाई वाले के अंदर, मेरी दो शॉप है, एक मिलती है आपको 51 नंबर के लिए कॉर्नर पर, जहाँ से भैया पहले भी काम कराते थे, और सेकेंडली मेरी ये शॉप है जो कि मिलती है आपको आर्य समाज रोड पर, जो कि मेन रोड पर शॉप है, सामने आर्य समाज रोड और बैक साइड में 36 नंबर गली। तो ये दो शॉप है मेरी, हमेशा ध्यान दे, दो शॉप सिर्फ मेरी है मार्केट में और किसी SKD की नहीं है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट में, जब तक जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।